सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां भारत से निकलने से पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था। यह देखिए पीएम नरेंद्र मोदी बाहर आते हुए, उनका स्वागत हो रहा है और धीरे धीरे ब्रिक्स 2024-16 ब्रिक्स समिट के लिए नीचे उतरते हुए विमान से एक कॉन्फिडेंट नरेंद्र मोदी, क्योंकि वहाँ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता तो होगी, लेकिन ये द्विपक्षीय वार्ता वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद फिर से होगी। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रूस के बीच जो जंग चल रही है पिछले 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी समाप्ति का कहीं ना कहीं कोई तोड़, कोई उपाय क्या प्रधानमंत्री अपने साथ लेकर के आए, हल अपने साथ लेकर के आए? तो रूस में उनका भव्य स्वागत और ब्रिक्स समिट के लिए पहुंचते ही वहां राष्ट्रपति पुतिन की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, और वहां ट्राई सर्विसेज भी वहां पहुंचा है भारत का, और कजान में वहां के लोकल ट्रेडिशनल अटायर के साथ और वहां पर वहां के फलाहार केक और मिठाई के साथ स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसे ग्रहण तो नहीं किया लेकिन उन्हें उसको स्वीकार किया, उसे कंसिडर किया कि देखिए उनके लिए ये खास पेशकश वहाँ रखी गई है। अब अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकलेंगे और खजान में उस स्थल तक पहुँचेंगे जहाँ प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर रुकेंगे, जिसके बाद ये ब्रिक्स समिट शुरू होगा। लेकिन इस ब्रिक्स समिट के साथ साथ 16वें ब्रिक्स समिट, जिसका थीम सुरक्षा रखा गया है और ग्लोबल फ्यूचर, आगे बढ़कर विश्व कैसे आगे बढ़ेगा, उस पर काम होगा। पीएम नरेंद्र मोदी अब कजान में, देखिए बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि मेरा ये कजान की ये यात्रा स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और रूस के बीच में जो है उसको और मजबूत करेगा। कल ही डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि रूस ने कभी भी भारत की संप्रभुता को अंडरमाइन करने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। ये मीटिंग तब हो रही है चीन के साथ संधि या चीन के साथ वार्ता और चीन के साथ एक अरेंजमेंट कि आप गलवान से पहले के एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट करके पहले के पेट्रोलिंग राइट्स पर आप चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है वेस्ट को, वेस्टर्न देशों को, खासकर अमेरिका, कनाडा और इन देशों को जो जानबूझकर भारत को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरा खालिस्तान और हरदीप निज्जर के इशू को लेकर, गुरपतवंत पनून को देकर, और जिस तरह से भारत को किसी न किसी तरह प्रेशर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भारत ये कह रहा है कि रूस हमारा हमेशा से पुराना मित्र रहा है, चीन से हमारी मित्रता और जो शत्रुता है उसको हम स्केल डाउन कर रहे हैं, गलवान में जो हुआ उसमें अब दोनों पीछे हट रहे हैं, साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एशिया ब्लॉक फिर से क्या एक्टिवेट हो रहा है? तो खासकर नेटो देश अमेरिका बहुत ध्यान से देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच किस तरह की बातचीत होती है, और खासकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह से वार्ता होती है, किस तरह की बातचीत होती है। कहीं ना कहीं पीएम मोदी का यह कहना कि हम रूस के साथ अपनी मित्रता को और सुदृढ़ करेंगे और इस पर हम काम करेंगे, मेरा ये विजिट इसी को और ज़्यादा मजबूत करेगा, ये क्या एक बहुत बड़ा इशारा है नेटो ताकतों को, अमेरिका को, कि देखिए हम आपकी गीदड़ भभकियों में और आपकी धमकियों में और आपके खेल में हम नहीं फंसने वाले हैं, और अगर आप हमारे साथ मित्रता के बहाने शत्रुता करेंगे, भारत की छवि दुनिया भर में धूमिल करने की कोशिश जानबूझकर करेंगे, तो भारत भी अन्य विकल्प ढूंढेगा, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के इस मसल को थोड़ा फ्लेक्स करेगा। रूस से हमारी हमेशा मित्रता रही है, रूस ने कभी हमारा बुरा नहीं चाहा है, ना ही भारत के इंटरेस्ट को कभी खराब करने की, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की है।